रैबरेली सैलून पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस मुठभेड़ के दौरान चोरी की घटना के वांछित दो शातिर चोर अवैध शस्त्र कारतूस के साथ गिरफ्तार। जनपद की सैलून पुलिस को बड़ी सफलता मिली। बीते दिनों चोर ने लोडर गाड़ी में लदे बिजली का तार को रास्ते से ही पार कर दिया, जिसको सैलून पुलिस संज्ञान में लेते हुए 21 मार्च 2023 को पुलिस मुठभेड़ में दो शातिर चोरों शिव पटेल पुत्र लालजी पटेल निवासी ग्राम आतागंज मजरे उसरी थाना सैलून जनपद रायबरेली अनुज पासी पुत्र अखिलेश पासी निवासी ग्राम उसरी थाना सैलून जनपद रायबरेली को अवैध शस्त्र व कारतूस के साथ थाना सैलून पुलिस ने आवश्यक कार्यवाही कर जेल भेज दिया। सैलून पुलिस ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों का एक सक्रिय गायक जो सुनसान जगह से बिजली के तारों को चोरियां करता है तथा उसे बेचकर जो धन अर्जित होता है उसे अपनी भौतिक सुविधाओं की पूर्ति पर खर्च करता है। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही के अंतर्गत दिनांक 21 मार्च 2023 को थाना सैलून पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर थाना सैलून पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 148/2023 धारा 379 भादवी से संबंधित अभियुक्तगण शिव पटेल पुत्र लालजी पटेल निवासी ग्राम आतागंज मजरे उशरी थाना सैलून रायबरेली अनुज पासी पुत्र अखिलेश पासी निवासी ग्राम उशरी थाना सैलून रायबरेली को थाना क्षेत्र के हनुमानगंज नहर पुलिया के पास से पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। अब इनके खिलाफ अभियुक्त पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। देखिए, थाना सैलून में एक चोरी की घटना हुई थी जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 148/23 पंजीकृत हुआ था। उसमें विवेचना के दौरान दो अभियुक्त अनुज पासी और शिव पटेल का नाम प्रकाश में आया। इनको गिरफ्तारी करने के लिए स्वाट सर्विलांस की टीम और थाना की टीम लगी हुई थी। मुखबिर से कल रात सूचना मिली कि इनका लोकेशन हनुमानगंज नहर पुलिया के पास है। इस सूचना पर हमारी समझ टीमें पहुंची और गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। गिरफ्तारी के दौरान इन्होंने बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने अपने बचाव में फायरिंग की जिससे इनके पैर में गोली लगी। तत्काल इनको CSC सैलून पहुंचाया गया, वहां से जिला हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। इनकी स्थिति सामान्य है, खतरे का कोई डर नहीं है। इनके कब्जे से एक पिकअप बिना नंबर की 315 बोर का तमंचा 12 बोर का तमंचा जिंदा राउंड खोखा राउंड बरामद हुआ है। 250 मीटर तार बरामद हुए हैं। इनकी गिरफ्तारी कर इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।